हरियाणा सरकार का एक और बड़ा बयान कि 105 स्कूल जो कि बच्चों को शिक्षित करते थे उन सभी को जो है बंद किया जाएगा। और आज देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्याओं के अंदर हमारे साथ यूथ कांग्रेस की जो टीम है वो जुड़ चुकी है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ बताना चाहते हैं और क्यों इन स्कूलों को बंद करने की कंडीशन क्रिएट करनी पड़ी और क्या कुछ इसका कारण है, क्या कुछ ये बताना चाहेंगे और क्यों ऐसी चीज़ें जो है हरियाणा सरकार बार बार करती है जिससे कि आम जनता को और बाकी लोगों को जो है तकलीफ कहीं ना कहीं होती है। नमस्कार, मैं सोनम इस वक्त तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल से, जहाँ पर तमाम यूथ जो है हमारे साथ जुड़ चुका है, जिनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, क्या कुछ अपील करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी बात जो है ये सामने आई है और जिस तरीके से यहाँ पर ये बात सामने आई है जान लेते हैं और ज़रूर हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि आज हरियाणा के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है उसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। हरियाणा सरकार प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों को लगातार बंद करने का काम कर रही है और इसी कड़ी में अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इससे पहले 196 सरकारी स्कूलों को इस सरकार में बंद किया गया और अब 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। ये कहीं ना कहीं सरकार की जो शिक्षा विरोधी, स्कूल विरोधी सोच है उसको दर्शाता है। आज हरियाणा के सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा जो है वो शिक्षा लेता है, लेकिन अगर ये सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो ये गरीब बच्चे जो हैं उनके पास शिक्षा लेने का और कोई चारा नहीं रहेगा। आज उसी के विरोध में जो 105 सरकारी स्कूल सरकार ने बंद किए उसके विरोध में आज हमने पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करी और इसी कड़ी में आज हम लोग करनाल के सचिवालय के बाहर खड़े हैं। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि सरकार इन स्कूलों को तुरंत रूप से दोबारा से सुचारू रूप से शुरुआत करे ताकि गरीब विद्यार्थी को हरियाणा के अंदर शिक्षा मिल सके। आज सरकार ने जो रैशनलाइजेशन पॉलिसी सरकार लेके आई है उसके कारण जहां एक तरफ जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो भी सड़कों पर हैं, विद्यार्थी सड़कों पर हैं, उनके अभिभावक सड़कों पर हैं, तो ये सरकार इस प्रकार की नीतियाँ लेकर आ रही है जो प्रदेश के अंदर आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देगी। अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो गरीब का बच्चा जो है वो शिक्षा ग्रहण इस प्रदेश के अंदर नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से इन सरकारी स्कूलों को दोबारा से शुरू करे और इनमें जो भी कमियां हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, चाहे वो कम विद्यार्थियों की है, उसको ठीक करने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए। रैशनलाइजेशन पॉलिसी जिसने प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा रखा है, इस पॉलिसी को बंद करे और टीचर्स की जो भर्तियां आज प्रदेश के अंदर 35-40 हज़ार खाली पड़े हैं पद, उनको भरने का काम करे ताकि इन सरकारी स्कूलों में सुचारू रूप से शिक्षा दोबारा से शुरू हो सके। क्या लगता है आपको इन स्कूलों को बंद करने से क्या शिक्षा प्राप्त करने की कंडीशन बिठाई गई है बच्चों के साथ कि ना कर पाएंगे? देखिए, सरकार ने जो इसका कारण बताया है वो उन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने का बताया। आज हम मनोहर लाल जी की विधानसभा में हैं, मैं मनोहर लाल खट्टर जी से एक सवाल पूछता हूँ, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है, अगर किसी व्यक्ति का कोई अंग खराब होता है तो उसके अंग का इलाज किया जाता है, ना कि उसके अंग को काट के फेंक दिया जाता है। आज अगर कुछ सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टीचर्स की कमी है, स्टूडेंट्स की कमी है, तो सरकार को उनको ठीक करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, ना ही उन सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से उनके जिले में आकर आज ही हरियाणा यूथ कांग्रेस की तरफ से एक विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकार तुरंत रूप से 105 सरकारी स्कूलों को जो बंद करने का फैसला है इसे वापस ले और उन स्कूलों में दोबारा से सुचारू रूप से टीचर्स की भर्तियां की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाए ताकि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सके। क्या लगता है सर आपको इस तरीके से प्रदर्शन करने से क्या सरकार को सद्बुद्धि आएगी? देखिए, इससे पहले हरियाणा यूथ कांग्रेस ने 134A जो सरकार ने खत्म किया था वो मनोहर लाल खट्टर और कंवरपाल गुजर के नाक में नकेड़ कस के हमने वो 134A को बहाल करवाया था। आज बड़ा ही शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन है, आने वाले समय में अगर सरकार इसका कोई संज्ञान नहीं लेती तो ये प्रदर्शन उग्र होगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, शिक्षा मंत्री आवास का घेराव होगा, लेकिन हरियाणा यूथ कांग्रेस
हरियाणा के 105 सरकारी स्कूलों को बंद किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। क्या गरीबों के स्तर को कम करने की कोशिश की जा रही है कि उनका शक्ति का स्तर ना बढ़े? मनोहर लाल खट्टर जी की जो फैसले हैं उनसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो नहीं चाहते कि हरियाणा के अंदर जो गरीब का बच्चा है वो कहीं पढ़ लिख कर कहीं नौकरी प्राप्त करे। वो चाहते हैं कि गरीब का बच्चा अनपढ़ रहे और हरियाणा के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने एक बड़ा स्कैम बना रखा है, महंगी महंगी फीसें जो लेते हैं, उसको ये सरकार बढ़ावा देना चाहती है। जी, नाम क्या सर आपका? दिव्यांशु बुद्धिराजा। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सरकार का तो एक ही एजेंडा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना, तहस महस करना, और जब कुछ जो अमीर आदमी रह जाएंगे तो तभी ये देश पे राज कर सकते हैं, तभी ये गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, गरीबों की पढ़ाई खत्म कर रहे हैं। क्या इसीलिए ये सारी कंडीशन लागू की जाती है? हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए की जाती है। क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? तो यही कहना चाहेंगे, यूथ कांग्रेस हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ी है और आगे लड़ती रहेगी और आगे भी सड़कों पर उतरती रहेगी। तो जरूर लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं जिस तरीके का एक बयान सामने आ रहा है कि यूथ कांग्रेस हरियाणा से जो सभी यूथ हैं यहाँ पर मौजूद हुए हैं, जिनके द्वारा ये कहना है यहाँ पर कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार हमेशा से ही इस तरीके के फैसले लेती है जिससे कि आम जनता को, गरीब जनता को कहीं ना कहीं नुकसान होता है, उसके चलते आज देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि हरियाणा सरकार के द्वारा 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने वाला जो ये बयान सामने आया है उसके खिलाफ जो है हरियाणा सरकार को चेताने के लिए ये सभी यूथ हरियाणा से, ये यूथ कांग्रेस हरियाणा से सभी लोग हैं जो कि आज यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको शेयर जरूर कीजिएगा और जो ये बैनर यहाँ पर लगाया गया है, हस्ताक्षर अभियान लगाया गया है, उसके अंदर जो है ये बात कही गई है कि यहाँ पर जो है सिग्नेचर कर आप अपनी उपस्थिति जरूर दें ताकि इस जो ये रूल रेगुलेशंस लागू किए जाते हैं और जो इस तरीके की कंडीशंस लागू की जाती है जिनका कि बयान हरियाणा सरकार का हमेशा से ही सामने आता है और जिस तरीके से बयान सामने आता ही नहीं है और बल्कि इस तरीके की कंडीशन जो है क्रिएट करी जाती है जिसके चलते जो है हरियाणा सरकार इस तरीके से 105 स्कूलों को जो है बंद कर देती है और उसके बाद यह सभी हरियाणा यूथ कांग्रेस के मेंबर्स हैं, यूथ हैं जो कि आज सड़कों पर उतर चुका है और लगातार एक ही मांग करता हुआ नजर आ रहे हैं हरियाणा सरकार से कि जिन स्कूलों को बंद किया गया है उनके अंदर जितनी भी कंडीशन खराब है उन सभी को जो है कवर करने के बाद जो है उन स्कूलों को जरूर चलाया। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द चिल में मेरा निसरम के साथ, कैमरामैन प्रवीण के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।